हे गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेस। आज हम चैप्टर 9 के बारे में बात करेंगे। क्या नाम है इसका? खाद उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। ठीक है, अब जो खाद उत्पादन है उसमें वृद्धि कैसे कर रहे हैं, उसमें क्या कार्य नीति अपना रहे हैं। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो भी बढ़ रहा है। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वैसे ही खाद उत्पादनों की वृद्धि भी बढ़ रही है। ठीक, अब उस खाद उत्पादन की वृद्धि में ऐसे क्या चेंजेस करें कि उसकी क्वालिटी क्या है बढ़ जाए, तो ठीक है, इसमें हम यही देखेंगे। तो क्या है, विश्व की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के साथ ही खाद्य पदार्थों की आवश्यकता में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, अतः खाद्य उत्पादन में गुणवत्ता के साथ वृद्धि एक मुख्य आवश्यकता बन गई है। मीन्स खाद्य उत्पादन में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन उसका साथ हमको उसका क्या बढ़ाना है, क्वालिटी, उसका गुण। ठीक है, इस आवश्यकता की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं? पशुपालन के थ्रू कर सकते हैं, पादप प्रजनन के थ्रू कर सकते हैं, व जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से कर रहे हैं। ठीक है, अब पहला आ रहा है पशुपालन। ठीक है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हमको ये फाइनेंशियल कंडीशन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुधन सभी लाभदायक एवं पालतू पशु की देखभाल करना, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने का आवास की व्यवस्था, उनको रोगों से बचाना, उनका प्रजनन तथा उनका पशुधन की वृद्धि का उचित ज्ञान युक्त ही क्या कहलाता है, पशुपालन। ठीक है, अब कोई पूछेगा पशुपालन क्या है, तो आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसमें सभी आ जाएंगे, सभी लाभदायक। लाभदायक क्यों? क्योंकि वो हमें लाभ दे रहे हैं। ठीक है, पालतू पशु की उनकी देखभाल, उनके प्रजनन की व्यवस्था, उनके भोजन, उनके आवास की व्यवस्था ही करना क्या है, पशुपालन। इसके अंतर्गत डेयरी उद्योग, ठीक है, डेयरी उद्योग समझ में आता है, कुक्कुट पालन उद्योग समझ में आता है, और मत्स्य पालन, तीनों ही आ जाते हैं। ठीक है, पशुपालन में तीनों, क्योंकि तीनों ही पशु है। पशुओं में ऐच्छिक गुण लाने के लिए निम्न तीन प्रकार की प्रजनन विधियां अपनाएं। ऐच्छिक मतलब जो हमारी हम चाहते हैं, ठीक है, जो हमारे हम चाहते हैं कि ऐसा क्वालिटी हमें मिले। ठीक, तो इसमें तीन आते हैं, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक। कौन कौन से तीन हैं? इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक। इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक, इन नाम से ही लग रहा है अंदर। इनब्रीडिंग मतलब एक ही नस्ल के अंदर जो संकरण कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा। ठीक, तो देखिए दिया है, एक ही नस्ल के सर्वोत्तम नर का क्रॉस किसके साथ कराएंगे, मादा के साथ। क्या है इनब्रीडिंग? एक ही नस्ल के सर्वोत्तम नर का क्रॉस किसके साथ कराएंगे, मादा पशु के। ठीक है, मध्य प्रजनन को अंतः प्रजनन भी क्या कहता है, कहा जाता है। इसमें संयुक्तता में वृद्धि होने, जनन क्षमता तथा उत्पादकता घटती है। अगर हम इनब्रीडिंग करा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो संयुक्तता में वृद्धि होने, उनकी जनन क्षमता तथा उत्पादकता क्या हो जाती है, घटने लगती है। ठीक है, इनब्रीडिंग, एक ही नस्ल के सर्वोत्तम नर का मादा के साथ संकरण, ठीक, जो अंतः प्रजनन अवसाद कर, यही इसका अवसाद कहलाती है। किसका अवसाद? अंतः प्रजनन का। यह लाभदायक विशेषताओं को संतान में परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। ये क्यों कर रहा है इनब्रीडिंग, आखिर इनका पर्पस क्या है, इनका बेनिफिट क्या है? ताकि हम इनके जो पूर्वज के कुछ जो क्वालिटीज है, ठीक है, कुछ उसको प्रिजर्व करके, उनके संतान में क्या करें, प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। ठीक, कुछ क्वालिटीज जैसे हमारे पूर्वज में बहुत अच्छी थी, तो वो क्वालिटी हमारे अंदर आए और उसको प्रिजर्व करके रख सके, तो हमारे में सेफ रहे, इसलिए ये इनब्रीडिंग कराया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है बहिसंकरण, आउटब्रीडिंग। इसमें भी एक ही नस्ल है, यहाँ पे भी एक ही नस्ल था, इसमें भी एक ही नस्ल के नर और मादा के साथ संकरण कराएंगे, लेकिन उनका जो पूर्वज थे वो सेम नहीं होगा। और कितनी पीढ़ी तक? 4 से 6 पीढ़ी तक। समझ में आ रहा है आउटब्रीडिंग? इसमें भी एक ही नस्ल के साथ कराएंगे नर और मादा का संकरण, बट कंडीशन क्या है, 4 से 6 पीढ़ी तक जो पीढ़ी है, कोई भी वंश है, वो पूर्वज संयुक्त नहीं होंगे, कॉमन नहीं होंगे। ठीक, सो क्या बोल रहे हैं, बहि प्रजनन या बहि संकरण। ठीक, नेक्स्ट है अंतः विशिष्ट संकरण, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर, जहां भी इंटर का नाम आ जाए वहां पे समझ लीजिएगा दो अलग अलग लोगों की बात होती है। जहां भी इंटर का बात आ जाए वहां पे दो अलग अलग लोगों की बात होती है। ठीक, जैसे इंटरमीडिएट होता है 11 और 12। ठीक, तो लाइक दिस, क्लियर? दो भिन्न जातियां, ठीक, भिन्न हो गए, दो अलग हो गए, दो जाति हो गए, कि नर तथा मादा के पशुओं के मध्य संकरण अंतः विशिष्ट संकरण कराता है। इंटर स्पेसिफिक समझ में आया, दो विभिन्न जातियों का जब नर और मादा के साथ क्रॉस कराएंगे तो उसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या अंतः विशिष्ट संकरण कहलाता है। उदाहरण, जैसे घोड़ा और गधा की प्रजातियों की जगह हम संकरण करा रहे तो हमें खच्चर मिल रहा है। ठीक, क्या मिल रहा है? अगर हम घोड़ा तथा गधा का क्रॉस करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, खच्चर। तो दो विभिन्न जाति है, घोड़ा अलग जाति है और गधा अलग प्रजाति है। क्लियर है?
नेक्स्ट है बहु अंडोत्सर्ग तथा भ्रूण स्थानांतरण तकनीक। नाम से ही लग रहा है, या तो एम्ब्रियो का ट्रांसफर करेंगे, भ्रूण का स्थानांतरण कर देंगे, उसकी जगह चेंज कर देंगे उसको, ठीक है। और पहला क्या है, बहु अंडोत्सर्ग मल्टीपल ओवोल्यूशन, जहां पे दो तीन ओवम का निर्माण करते हैं वहां पे ऐसा कुछ वो करेंगे, चेंजेस लाएंगे कि बहुत सारे ओवम का फॉर्मेशन हो सके। तो इस तेक्निक को क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल ओवोल्यूशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर और मोएट, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मोएट कहते हैं, ठीक। यह दुधारू नस्ल के पशु गाय और भैंस की उत्पादकता बढ़ाने हेतु अधिक संख्या में संतानी संतान प्राप्त करने की तकनीक है, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारे नस्ल के पशु है उसमें दुग्ध का मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो सके, और जो संतान पैदा हो रहे हैं उनकी क्वालिटी को और बढ़ाया जा सके, वो सुपीरियर हो, इसलिए ये कर रहे हैं, ठीक है। इस तकनीक में दुधारू पशु के पोटिका वृद्धि हार्मोन देकर एक से अधिक अंडों का उत्पादन हेतु प्रेरित किया जाता है। मीन्स उसमें इनके क्या होता है, जो पशु जैसे गाय और भैंस है उसमें हार्मोन को इंजेक्ट कर दिया जाता है, इंजेक्शन दे दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो अधिक से अधिक अंडाणुओं का उत्पादन कर सके, ठीक। तत्पश्चात इन अंडों को वंचित गुणों युक्त नर पशु के शुक्राणुओं से निषेचित, फिर उनका क्या होता है, अब जैसे मल्टीपल ओवल्यूशन हो गया, ठीक। यहाँ पे मैं बताती हूँ, एक सेकंड, ठीक। हमने इंजेक्ट किया, मल्टीपल इवोल्यूशन हमें मिल गया, ठीक। अब हमने इसको कलेक्ट कर लिया, फिर इसमें किसका इंजेक्ट करा दिया, स्पर्म का, ठीक है, मेल से लेके स्पर्म को इंजेक्ट करा दिया, ठीक। फिर निषेचन की प्रक्रिया करा देंगे, ठीक। निषेचन तो आपको सब लोग क्लियर है। कृत्रिम निषेचन के सफलता पूर्वक संपन्नता के बाद भ्रूण के 8 से 32 कोशिकीय अवस्था में किसी अन्य मादा के गर्भ में विकसित होने के लिए स्थानांतरण किया जाता है, ठीक। पहले जो मल्टीपल ओवुलेशन कराया गया वो अलग मादा थी, ठीक, इससे मल्टीपल ओवुलेशन मिला, ठीक। फिर हमने इसका बाहर फर्टिलाइजेशन करा दिया, निषेचन करा दिया। अब फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जो हमें भ्रूण मिला 8 से 32 सेल का, जो हमें भ्रूण मिला 8 से 32 सेल का, वो किसी दूसरी मादा में के भ्रूण में, इम्ब्रियो में क्या करेंगे, सॉरी, दूसरी मादा के यूटेरस में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, क्लियर है। तो वो ये बोले, कृत्रिम निषेचन के सफलता पूर्वक संपन्नता के बाद भ्रूण की 8 से 32 कोशिकीय अवस्था में किसी अन्य मादा, जो ओवुलेशन दे रही है, जो ओवम प्रोड्यूस कर रही है, अंडा प्रोड्यूस कर रही है, वो दूसरी मादा है, लेकिन जिसके अंदर निषेचन के बाद जो हमारे पास भ्रूण मिला वो किसी दूसरे मादा में डालने के लिए वो दूसरी मादा है, ठीक। किसी दूसरी मादा के गर्भ में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, गर्भ में विकसित होने के लिए स्थानांतरण किया जाता है। इस तकनीक द्वारा डेयरी पशुओं की संख्या कम समय में बढ़ाई जा सकती है, क्लियर है। नोट, पशुपालन पशु धन की प्राप्ति व खाद्य उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक। सेकेंड है मत्स्य पालन, नाम से लग रहा है मत्स्य, फिश, मछलियों का मुख्य रूप से उनके तेल तथा मांस हेतु देखभाल, रख रखाव एवं संवर्धन करना मत्स्यकी तथा मछली पालन कहलाता है, ठीक। फिश से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है और फिश खाते हैं, ठीक। तो ये बोल रहे हैं मछलियों का मुख्य रूप से उनका तेल और दूसरा मांस, ठीक, हेतु देखभाल, रख रखाव एवं संवर्धन करना मत्स्यकी या मछली पालन कहलाता है, ठीक है। सो गाइस, पहले मैं ये एक बात बता दूं, ये एक शॉर्ट रिविजन टाइप का नोट्स है, ठीक। अब पहले आप एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़िए, फिर इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। और अभी भी बहुत टाइम है, ठीक, अगर अभी भी से आप शुरू करते हैं, अच्छे से एक टाइम टेबल बना के मैनेज करके चलते हैं, तो सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ याद हो जाएंगी, सब कुछ आपका बोर्ड के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं, भारत में खाद्य के रूप में उपयोग जाने वाली मछलियां निम्न में, ठीक है, जो खाते हैं, ठीक। पहला अलवण और जलीय मछलियां, कटला और रोहू, ठीक, अलवण जलीय मछलियां। दूसरा लवण और समुद्री मछलियां, हिल्सा सॉल्मोन, ठीक है, नाम याद रखिएगा, अलवण में कौन आ रहा है, कटला रोहू, लवण में कौन आ रहा है, हिल्सा सॉल्मोन, एच एस, ठीक है, इसको एच एस भी याद कर सकते हैं, एच एस, ठीक है, इसको आर के, अलवण में क्या आ गया, आर के, इसको एच एस। और विदेशजात मछलियों में सामान्य कार्पेन, क्रूसियन कार्प, ठीक है, एस सी और सी सी, क्रूसियन कार्पेन, सामान्य कार्प, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट, कुकुट पालन, मुर्गी पालन, इस कृषि में पद्धति में मुर्गी, बत्तख, टर्की, फाख्ता, ठीक, आदि के अंडों तथा मांस के लिए पालन पोषण क्यों हम पाल रहे हैं, ताकि हमको उससे बेनिफिट है, हमको उससे लाभ मिल रहा है, या तो एग मिल रहा है, या तो उससे गाय भैंस से हमको मिल्क मिल रहा है, फिश से हमें ऑयल मिल रहा है, ठीक है। तो अगर उनका पशुपालन अगर अच्छे से करेंगे तभी ना वो हमको ये सब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अब समझ में आ रहा है। इस कृषि पद्धति में मुर्गी, बत्तख, टर्की, फाख्ता आदि का अंडों तथा मांस के लिए पालन पोषण, रोगों से बचाव तथा रख रखाव किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है,
कुक्कुट की देशी तथा विदेशी नस्लें निम्नलिखित है, सबके जो होते हैं ना, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबका देशी नस्ल विदेशी नस्ल होता है। ठीक, देशी नस्लें में क्या आता है, असील, बसरा, घेंगस, ब्रह्मा, काराकांत आदि। ठीक है, ये तो नाम आप लिख लीजिएगा एक साइड, लिख के उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा तो आपको रिकॉल हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। विदेशी नस्लें में क्या आएंगे, व्हाइट लेग हॉर्न, रोडे आइटलैंड रेड, पॉलीमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर आदि। ठीक, अब संकर नस्लें, कौन कौन से संकर, एक कोड दे दिया जाता है जिससे हम लोग पता लगा सके। HS260, IBL80, ILS82, B77 फर्स्ट। क्लियर है? ठीक है, B77I। ठीक, कुक्कुट पालन के बाद क्या आ गया, मधुमक्खी पालन। ठीक, इस वैज्ञानिक का नाम एपिस, इसका वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एपिस इंडिका, जो एक सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है। ठीक, एक सोशल कीट है, एक सोशल इंसेक्ट है। ठीक, इससे हमें जनरली हमको क्या मिलता है, कीट से, एपिस इंडिका से क्या मिल रहा है, शहद। ठीक है, इससे शहद, मधु तथा मोम जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक, इनमें स्पष्ट रूप से श्रम विभाजन मतलब मेहनत करते हैं, ठीक, भी पाया जाता है। मधुमक्खियों को पालना मधुमक्खी पालन कहलाता है। ठीक, समझ में आ रहा है? मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेचक जनन, पार्थेनोजेनेस प्रक्रिया की पाई जाती है। ठीक, अब ये पार्थेनोजेनेसिस क्या है, ठीक है, अब ये पार्थेनोजेनेसिस जेनेसिस क्या है। ठीक, पार्थेनोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें डायरेक्टली एग से एक नया एनिमल, एक नया हनी भी बन जाए। ठीक, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही है मतलब कोई मेल का स्पर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। ठीक, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक, एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन निषेचन ना हो, उससे क्या बन जा रहा है, एक नया हनी भी। इसी प्रोसेस को क्या बोल रहा है, पार्थेनो जेनेसिस। ठीक, अनिषेचक जनन, नाम से लग रहा है निषेचन इसमें नहीं होगा। निषेचन कब होता है, जब एग में स्पर्म आके क्या करता है, उसको फर्टिलाइज करता है। क्लियर है? मधुमक्खी की कॉलोनी में सबसे छोटी मक्खी श्रमिक मक्खी होती है। ठीक, तो इनकी कॉलोनी, जैसे हमारे यहाँ कॉलोनीज होती है तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वैसे इनके में भी कॉलोनीज होती है, बहुत सारी मधुमक्खियां वहां रहती हैं। ठीक, तो उसमें जो सबसे छोटी वाली रहती है, जो स्मॉलेस्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं, श्रमिक मक्खी। क्लियर है? नोट, ड्रोन। ड्रोन क्या है, पहले ड्रोन हमें पता चल नहीं है, मधुमक्खी ही है लेकिन नर है, तो ना ड्रोन किससे मिलेगा, अनिषेचक जनन मतलब पार्थेनोजेनेसिस का जो भी हम मैंने बताया, अगर कोई इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो आप क्या बताओगे, ड्रोन। क्लियर है? ठीक है, ड्रोन नर, अनिषेचक जनन उत्पन्न अगुणित नर होते हैं, श्रमिक द्विगुणित बंध मादाएं होती हैं। कैसी होती हैं, द्विगुणित दोनों तरफ से। ठीक, बंध मादाएं होती हैं, मादा होती है, यानी श्रमिक मक्खी मादा है, ड्रोन है वो जो नर है, जिनमें जननांगों का विकास नहीं होता है। अब श्रमिक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जननांग, जो जनन अंग होते हैं उनका पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होता है। रानी, नाम से ही लग रहा है ये सबसे ज्यादा वो पावरफुल भी होंगे, सबसे बड़ी होंगी, या आकार में बड़ी, जननक्षम व द्विगुणित मादा होती है। ठीक, मधुमक्खी इसके सदस्य एक दूसरे को गंध द्वारा पहचान, मतलब एक दूसरे से स्मेल करके पहचानते हैं। ठीक, अब लाख पालन, व्यावसायिक दृष्टि से उत्पादन हेतु लाख डेकार्डिया लैका या लैसिफर नामक लैक नाम से कीट से प्राप्त होता है, ये भी इंसेक्ट है। ठीक है, ये भी क्या है, इंसेक्ट है, इसको क्या बोल रहे हैं, लाख पालन। अब कौन कौन से स्पीशीज इसमें हम लोग देख रहे हैं, लाख लैकार्डिया, सॉरी टेकार्डिया लैका और लैसिफर लैका, टेकार्डिया लैका और लैसिफर लैका नामक कीट से प्राप्त होता है लाख। ठीक है, लाख कीट द्वारा स्त्रावित पदार्थ है, मतलब ये जो लाख है वो कहाँ, कौन स्त्रावित कर रहा है, कौन सिक्रेट कर रहा है, यही कीट। ठीक, लाख के निम्फ की त्वचीय ग्रंथियों को रेजिन द्वारा का स्त्राव होता है। जो लाख का बहुत सारा डेवलपमेंट स्टेज होता है ना, तो उसमें एक निम्फ स्टेज होता है। ठीक है, उसमें कौन सा स्टेज होता है, निम्फ स्टेज। ठीक है, एक मिनट, तो उसमें कौन सा स्टेज हो रहा है, ठीक है, ये लिम स्टेज यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? तो उसे रेजिन नामक, रेजिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, उसका स्त्राव होता है जिससे लाख निष्कासित किया जाता है। ठीक है, जिससे लाख को क्या करते हैं, निकाल दिया जाता है। इस क्षेत्र में शोध करने वाला भारतीय लाख शोध संस्थान रांची और झारखंड स्थित है। पूछ सकता है कि जो लाख पालन वो कहाँ स्थित है, तो क्या बताओ कि शोध संस्थान रांची झारखंड में। ठीक है, अब रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन क्या है, रेशम कीट के लार्वा बॉम्बिक्स मोराई, अब इसका स्पीशीज क्या है, बॉम्बिक्स मोराई की लार ग्रंथियों के स्त्रावण द्वारा रेशम का निर्माण होता है। मतलब ये जो रेशम है वो कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, बॉम्बिक्स मोराई के लार ग्रंथि से सिक्रेट हो रहा है, क्या सिक्रेट हो रहा है, रेशम। ठीक
जो रेशम कीट कोकून की अवस्था में प्राप्त होता है। हमें रेशम डायरेक्ट रेशम नहीं मिल जाता, पहले क्या मिलता है आपको, कोकून मिलता है। आपको क्या मिलता है, कोकून, ठीक, डायरेक्ट। फिर कोकून से हमें रेशम का निर्माण होता है, ठीक। जो रेशम कीट की कोकून अवस्था से प्राप्त होता है, इसके लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। सबको पता है, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा, कैटरपिलर लार्वा किसका होता है, ठीक है, कीट का, रेशम कीट का। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पदार्थ रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट पालना, रख रखाव और उनकी देखभाल करना ही सेरिकल्चर कहलाता है, ठीक। आर्थिक रूप से मतलब उसके आर्थिक फंक्शन को देखते हुए उनका रख रखाव, उनकी देखभाल करना ही क्या कहलाता है, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर से हमें क्या ऑप्टेन हो रहा है, रेशम। सेरिकल्चर से हमें क्या ऑप्टेन हो रहा है, रेशम, ठीक। रेशम प्राप्ति हेतु व्यापारिक उद्देश्य से कोकून युक्त तो फूफा को गर्म पानी में डालकर मार दिया जाता है, ठीक। हमने बोला ना पहले क्या मिल रहा है, कोकून। अभी इसी कोकून से हमें क्या मिलेगा, रेशम। अब कोकून से हम रेशम कैसे प्राप्त करते हैं, ये है इसमें। रेशम प्राप्ति पर कोकून युक्त प्यूपा, क्योंकि उनमें क्या होता है, प्यूपा। प्यूपा एक स्टेज है, ठीक है, इसके डेवलपमेंट का एक क्या है, स्टेज है। जैसे वहां निम्फ था, यहाँ पे क्या है, प्यूपा, ठीक। तो उसको गर्म पानी में डाल देते हैं, गर्म पानी में डाल देते तो प्यूपा की डेथ हो जाएगी, जिससे रेशम सही रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक। इसे स्टिफलिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टिफलिंग। कोई पूछेगा स्टिफलिंग क्या है, तो जब हमको रेशम को प्राप्त करने के लिए कोकून युक्त पीपा को गर्म पानी में डाल देते हैं, जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, स्टिफलिंग, क्लियर है। जबकि स्टिफलिंग के उपरांत कोकून से रेशम के धागे या तंतु खींचने या निकालने को रीलिंग कहते हैं। अब उस कोकून से जो धागा निकलेगा, उसको निकालने की प्रक्रिया को रीलिंग कह रहे हैं, ठीक। रील होता है ना, तो उसी से आया है रीलिंग, ठीक। इस प्रक्रम के उपरांत कच्चे धागे रेशम को फाइबर रेशम बनाने की प्रक्रिया स्पिनिंग कहते हैं। अब स्पिनिंग आ गया, अब जो कच्चा धागा है उसको फाइबर रेशम से में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या करेंगे, स्पिनिंग। स्टिफलिंग, जब कोकून को क्या करेंगे, गर्म पानी में डाल देंगे, ठीक। रीलिंग, जब उस धागे को रील करेंगे, उस प्यूपा से निकालेंगे, ठीक। स्पिनिंग, अब उस कच्चे धागों से फाइबर रेशम बनाने की प्रक्रिया को क्या करेंगे, स्पिनिंग, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, अभी तो अब जनरली हमने पशुपालन देखा, अब पादप प्लांट से हमें क्या मिल रहा है, पादप प्रजनन। इसके अंतर्गत चयन, चयित करना, वरण, सिलेक्शन करना, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, बहुगुणा, पॉलीप्लाइडी, प्रेरित इंड्यूस म्यूटेशन, टेक्निक्स है जिससे हम अच्छे से अच्छे प्लांट के वेराइटीज को ऑप्टेन कर सके, जो हमें चाहिए, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं, म्यूटेशन करा सकते हैं, पॉलीप्लाइडी करा सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, अच्छी चीजों को सेलेक्ट करके उसका क्रॉस करा सकते हैं, ठीक। चयन या वरण पादप प्रजनन की प्राचीन तथा वर्तमान में प्रचलित पादप सुधीर विधि है। कौन सा चीज है, जो टेक्निक है वो बहुत पहले से यूज होती जा रही है, चयन या वरण, ठीक। चयन या सिलेक्शन, ये बहुत ही प्राचीन समय से चलती आ रही है, ठीक। गेहूं तथा मक्का की विभिन्न किस्मों की इस विधि द्वारा उत्पन्न की जाती है, ठीक। गेहूं और मक्का के बहुत अच्छा सिलेक्शन कर लेंगे, अच्छा सिलेक्शन सीट का करके उसको डाल देंगे, तो अच्छा गेहूं और मक्का होगा ना, ठीक। संकरण द्वारा अनाजों, संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन, दो लोगों के बीच में क्या कराना, क्रॉस, ठीक। संकरण द्वारा अनाजों, फलों, सब्जियों में उत्पादन बढ़ाने वाले उत्तम नस्लें संकरण बनाई गई है, ठीक। पादप प्रजनन के उपयोग द्वारा सन 1960 के दशक में कृषि वैज्ञानिकों ने खाद्य फसलों से अधिक उन्नतशील गुणवत्ता शुद्धता को पकने वाली किस्मों के विकास करके मानव कल्याण में अभूतपूर्व योगदान किया है। कुछ याद आया, 1960 ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ठीक है, 1960 पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ठीक। तो इसी सब टेक्निक का यूज करके हरित क्रांति लाया गया था, ठीक है, हरित क्रांति, सॉरी क्रांति, सॉरी सॉरी, हरित क्रांति, ठीक। तो ये सब जो संकरण की प्रक्रिया है और ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया को ही चूज करके 1960 में एक बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्शन हुआ था व्हीट और राइस का। 1960 में हरित क्रांति क्यों बोल रहे हैं, हरा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गया था, बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक। इस प्रकार वैज्ञानिक हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में सफल रहे, ठीक है। हरित क्रांति ग्रात उत्पादन विशेष अनाज के तहत अधिक उपज वाली फसलों के किस्मों के विकास से संबंधित है, ठीक। मैंने बताया ना, उसमें सबसे अधिक कौन से अनाज का फसल बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ, व्हीट और राइस, ठीक। अब जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या, इसको कहते हैं डॉक्टर नॉर्मन ईन बोरवर, विश्व हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। फादर ऑफ हरित क्रांति कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक। अब इंडिया में के कौन है,
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। याद रखिएगा ये दोनों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? नॉर्मन ई बोरलॉग एंड एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो इंडिया थे और ये वर्ल्ड के थे पूरे, ठीक है। इनका कार्य क्षेत्र भारत कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली में था, ठीक। पूछता है कि IARI कहाँ पे, कृषि अनुसंधान इनका कहाँ था? तो दिल्ली में, ठीक। यहाँ गेहूं की उन्नत किस्में, ठीक है, जैसे गेहूं की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, गेहूं की क्वालिटीज को बढ़ाते हैं, जैसे सोनरा, ये सब क्या है? ये सब टैग देते हैं ताकि इसे पता चले कि ये अलग अलग टैग है, ठीक। सोनरा 64, मालविका, शरबती सोनरा विकसित हुई है। ये संकर अनुज फसलें हैं, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये आई हुई है, ठीक। धान की किस्म IR8 विकसित अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान IARI की फिलीपींस में हुआ है। पूछता है IR8 का विकास कहाँ हुआ है? फिलीपींस में। फिलीपींस में कहाँ? अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान IRRI। याद रखिएगा जो IRI है वो इंडिया के बाहर है, ठीक है, ये ठीक। बट जो IIR है वो दिल्ली में है, ठीक, ये फिलीपींस में, क्लियर है। नोट, दो विभिन्न जनकों के संकरण से प्राप्त संतान को संकर कहलाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दो विभिन्न जनक का क्रॉस कराया जाता है, जो संतान प्राप्त होती है इसको क्या बोल रहे हैं? संकर। मक्का तथा गेहूं को कृत्रिम वरण द्वारा विकसित किया जाता है, ठीक, एग्रीकल्चर से। मक्का तथा गेहूं को कृत्रिम वरण द्वारा विकसित किया जाता है। वैज्ञानिकों के अभूतपूर्व अधिक प्रयासों से निम्नलिखित क्रांतियां भी सफल हुई। एक तो सबसे उसमें क्या था? हरित क्रांति, ठीक। हरित क्रांति क्यों? क्योंकि उसमें वीट और राइस का था। अब इसमें सफेद क्रांति, व्हाइट, सफेद क्या होता है? दूध, नाम से इसको इसलिए बोल, सफेद क्रांति। दूध उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक वर्गीस कुरियन है। कौन है इसके जनक? वर्गीस कुरियन। सफेद क्रांति, दूध उत्पादन, सफेद क्रांति, दूध उत्पादन, हरित क्रांति, वीट और राइस, ठीक। सिल्वर फिश ना, अंडा, अंडा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। सिल्वर रिवोल्यूशन को क्या? अंडा उत्पादन से, ठीक है। नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन, मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन, मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो सफेद क्रांति दुग्ध, सिल्वर क्रांति अंडा, नीली क्रांति मछली उत्पादन, ठीक। अब है जैव प्रबलीकरण। इसका प्रबलीकरण कैसे, प्रबल कैसे हुआ, डोमिनेंट कैसे हुआ? उन्नत खाद गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रदर्भ जनन द्वारा ऐसे पादप किस्मों का निर्माण किया जाता है जिनमें खनिज, लवण, विटामिन, पूर्ण प्रोटीन तथा स्वास्थ्यपूर्वक वसा आदि पदार्थों की पूर्ण मात्रा पाई जाए, ठीक। जैव प्रबलीकरण मतलब ऐसे प्लांट को हम लोग उत्पादन कराते हैं, निर्माण करते हैं, जिसमें ये सब क्वांटिटीज हो, ये सब क्वालिटीज हो, सॉरी, ठीक है। खनिज लवण भी हो उसमें, विटामिन्स भी हो, पूर्ण प्रोटीन भी हो, स्वास्थ्यपूर्वक वसा भी हो, ठीक, और स्वास्थ्यवर्धता का स्तर बढ़ाया जाए। कुछ ऐसा करके कि इस सब में क्वालिटी में इसमें सुधार है और ये सब ज्यादा मिले, ठीक। इस प्रक्रिया को जैव प्रबलीकरण बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक। बायो फोर्टिफिकेशन मतलब प्लांट में खनिज लवण को बढ़ाना, विटामिन को बढ़ाना, ऐसा कुछ करके वो खनिज लवण ज्यादा से ज्यादा दे, विटामिन ज्यादा दे, प्रोवाइड हम लोग को दे, प्रोटीन दे, स्वास्थ्य वर्धा दे, फैट दे, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन या जैव प्रबलीकरण, ठीक। जैव प्रबलता का प्रमुख उदाहरण है सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, ठीक। गोल्डन राइस जो विटामिन ए से भरपूर है, तो इसमें क्या डोमिनेंट हो गया? विटामिन आ गया ना, इसमें क्या डोमिनेंट हो गया? इसमें क्या डोमिनेंट हो गया? वेट, विटामिन ए, ठीक है। इसमें सुनहरा चावल, क्लियर है। उन्नत पोषक गुणवत्ता को बनाने के लिए प्रजनन सुधार के विदेश उद्देश्य निम्न है। प्रोटीन अंश एवं प्रोटीन की गुणवत्ता क्यों बढ़ा रहे? ताकि हमको प्रोटीन मिल सके, हमको कार्बोहाइड्रेट अच्छा मिल सके, हमको ऑयल मिल सके, ठीक। तो प्रोटीन अंश व प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाओ, तेल अंश व तेल की गुणवत्ता की बढ़नी चाहिए, विटामिन अंश व विटामिन की गुणवत्ता को बढ़नी चाहिए, लास्ट में खनिज एवं सूक्ष्म पोषक की गुणवत्ता, क्योंकि ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हमारे बॉडीज के लिए, ठीक है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब है उत्तक संवर्धन, ठीक। एक पादप उत्तक से कृत्रिम, अभी तक तो ये हो रहा था आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में सब क्या करेंगे, ठीक। एक पादप उत्तक से कृत्रिम संवर्धन मतलब आर्टिफिशियल कल्चर, मध्य में पूर्ण पादप को विकसित करने की प्रक्रिया उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। एक टिश्यू को लाकर उसको लैब में उसके अमाउंट को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। कोशिका के विकसित होकर नया पादप बनाने की क्षमता को टोटी पोटेंसी कहते हैं। एक सेल से दूसरे एक पूरा प्लांट बन जाना है, इसको क्या बोलते हैं? टोटी पोटेंसी, मतलब उसमें उतना पोटेंशियल होते हैं, समझ में आ रहा है? टोटी पोटेंसी, सपोज एक सेल है,
कुछ ऐसा इसके अंदर को हमने सारा इसको सब कुछ प्रोवाइड किया, एनवायरनमेंट, फूड और सब किया, एक साल से पूरा क्या बन जाए, प्लांट, एक साल से पूरा क्या बन जाए, प्लांट, इसको क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। ठीक, पादप के किसी भी भाग में तीव्र कायिक जनन या उत्तक संवर्धन से नए शिशु को पादप को तैयार करना है सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। माइक्रो मतलब नाम से, एक छोटा पार्ट ले लेते हैं सेल का, फिर उसे प्रोपेगेट कराते हैं, उसकी संख्या, उसके अमाउंट को बढ़ाना। ठीक, तो वही बोल रहे हैं, पादप के किसी भी भाग से तीव्र कायिक जनन के, बहुत ज्यादा जो कायिक जनन की जो क्षमता है वो तीव्र हो रही है, तथा उत्तक संवर्धन से नए शिशु को पादप को तैयार करना, जो पादप हुआ उसका नया पूरा प्लांट एक छोटा तैयार हो गया, इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक, अब है एकल कोशिका प्रोटीन, वन सेल प्रोटीन, नाम से ही लग रहा है, एकल मतलब एक। ठीक है, मानव जाति की संख्या जिस दर से बढ़ रही है, अनाज दलहन सब्जी फलियों में पारंपरिक उत्पादन से मांग पूरी नहीं हो पा रही। ठीक, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा है वैसे वैसे हमको फूड भी तो उतना ही चाहिए, लेकिन उतना फूड इनफ मात्रा में नहीं आ पा रहा है और ना ही उसकी क्वालिटी भी बढ़ पा रही है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भोज्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्य विधियां भी अपनाई जा रही है। ठीक है, तो अलग अलग बहुत सारे टेक्निक संकरण करा रहे हैं, चयन कर रहे हैं, म्यूटेशन करा रहे हैं, एक यहाँ पे एक नई टेक उत्पन्न वो यूज कर रहे हैं, वो है सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, ताकि भोज्य पदार्थों के उत्पादन को उनका प्रोडक्शन बढ़ा सके। ठीक, इसमें से एक प्रमुख विधि कौन सा है, वन सेल प्रोटीन, या इसको बोलते हैं एकल कोशिका प्रोटीन, SCP शॉर्ट फॉर्म में। सूक्ष्म जीवों का प्रोटीन स्रोत के रूप में आज बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, सूक्ष्म जीव मतलब जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, ठीक है, फंगस, ये सब क्या है, माइक्रोब्स, उनका प्रोटीन को यूज करके उसको बड़े स्केल में, लार्ज स्केल में यूज किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। ठीक, जिसमें मशरूम संवर्धन एक प्रकार का उद्योग बन चुका है, मशरूम तो पता है फंजाई होता है। ठीक, उदाहरण स्पाइरुला नामक, इसमें स्पाइरुला की एक खास बात है, इसमें बहुत ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है। स्पाइरुला में क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें होती है पूरे वर्ल्ड में, मशरूम, अरे सॉरी स्पाइरुला में। ठीक, स्पाइरुला नामक सूक्ष्म जीवी को घास फूस शिखा पुष्क खाद गोबर और वाहित जल में उगाया जाता है। ठीक, इसको उगाने के लिए ज्यादा कुछ हमें मेहनत तो करनी नहीं पड़ रही है। स्पाइरुला नाम में प्रोटीन, मैंने बोला ना सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है स्पाइरुला, प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। यही क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन। प्रोटीन को यानी हमें जो सूक्ष्म जीव हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन कर रहे हैं, हम उनके नंबर्स को क्या करें, बढ़ा दें। अगर उनके नंबर्स को बढ़ा देंगे तो प्रोटीन भी हमको क्या मिलेगा, लार्ज अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और प्लीज आप अब रिविजन करते रहिए, पूरा NCERT पूरा पढ़िए। ठीक है, अभी भी बहुत टाइम है, आप कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो वेलकम। अगर अब तक यूट्यूब के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।